हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो कल की क्लास में हमने अपना नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से ख़त्म कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 9th नंबर सिस्टम की। आप उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो जो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीनोमियल। इसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीनोमियल को आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलीनोमियल, है क्या पॉलीनोमियल। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें, आपको एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलीनोमियल। सो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। Poly means many and nomial means terms. So मतलब ऐसा expression जिसके अंदर क्या हो, many terms हो, उसे हम क्या कहते हैं, polynomial कहते हैं। क्या कहते हैं, polynomial। अब आप बच्चे कहेंगे कि मैम ये क्या actual definition है, मतलब क्या ये पूरी complete definition है, क्योंकि आप कहोगे हमने class 8th में ना एक टॉपिक पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी ना जो डेफिनेशन थी वो भी क्या थी, सेम थी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन थी ना वो भी यही कहता था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो, उसे क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन थी, एन एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप कहोगे मैम फिर पॉलीनोमियल चैप्टर को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, जब दोनों की डेफिनेशन ही सेम थी, हमने क्लास 9th-8th में यही तो डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसको पढ़ाने की, दोबारा पॉलीनोमियल को पढ़ाने की जरूरत क्या है, जब हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्यों हमने नया चैप्टर पॉलीनोमियल इंट्रोड्यूस हुआ। देखो, लेट्स सपोज करो मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए होंगे, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहोगे बिल्कुल है, ठीक है। मैं कहूँ आप मुझे बताओ क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं उनको एक डेफिनेशन बता देती हूँ, वैसे एक छोटा सा एक हिंट दे देती हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल्स भी आए और कॉन्स्टेंट्स भी आए। और क्या हो, जिनके अंदर वेरिएबल्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों, और क्या हो, जो ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट है ना उनको क्या जोड़ रहा हो, उन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो जोड़ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिनके अंदर वेरिएबल्स भी हो और क्या, और आपके कॉन्स्टेंट्स भी हो, ठीक है। सो आपको पता है ये क्या है, ये भी एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं पूछूं बताओ क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहेंगे ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं पूछूं अब बताओ क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप कहेंगे ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब हम पढ़ते हैं कि पॉलीनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, क्यों हम पॉलीनोमियल को दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अब लिखते हैं कि पॉलीनोमियल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। सो लिखिए, पॉलीनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। An algebraic expression in which the power of variable is whole number is called polynomial.
और समझते हैं कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है, जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर होना, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। सपोज करो मैंने मान लो ये एक्सप्रेशन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब मुझे बताओ क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, अगर इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनना है तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो एक वेरिएबल क्या दे रखा है कि एक्स, एक्स की पावर क्या है, टू है, टू क्या होता है, होल नंबर है, ठीक है। यहाँ देखो एक और वेरिएबल दे रखा है एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, वो कुछ नहीं होती, तो मतलब क्या होता है, वन होता है, यहाँ वेरिएबल है नहीं, दोनों में पावर क्या है, होल नंबर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है हमारा एक, ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या होता था, इनमें जो वेरिएबल की पावर होती थी ना, ये कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ होल नंबर ही होंगी। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती थी, जैसे देखो यहाँ पे पावर थ्री बाय फोर, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। पॉलिनोमियल बनने के लिए पावर को क्या होना पड़ेगा, होल नंबर होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी लिखेंगे वाला, देखो यहाँ पे क्या है x प्लस, ये जब x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर माइनस वन। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, देखते हैं। देखो आपको कह दिया x प्लस वन बाय एक्स है, मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, हम देखते हैं। इस x को क्या करती हूँ मैं, ऊपर ले जाती हूँ, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है, वन है, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, माइनस वन। आपको पता है वन तो होल नंबर होता है, लेकिन क्या माइनस वन मेरा एक होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। आपको पता है वन होल नंबर है, लेकिन माइनस वन होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है वेरिएबल की, लेकिन पॉलिनोमियल में पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल आपसे पूछा, इसे मैं रब कर देती हूँ, उठिए जैसे मैंने इसको रब किया, मैं आपसे पूछती हूँ क्या, मुझे बताओ। अब देखो मैंने आपसे देखे ये बताओ, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, अब बताओ क्या मुझे ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। आप हम चेक करेंगे वेरिएबल की पावर्स, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, ये x, x की यहाँ पे पावर क्या है, 4, हमें पता है 4 एक होल नंबर है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, एक वेरिएबल यहाँ बैठा हुआ है, इसकी पावर क्या है, 2 है, ये भी एक होल नंबर है, चलो ठीक है आगे चल लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ एक वेरिएबल बैठा हुआ है, कुछ नहीं होती, तो पावर क्या लगती है, 1, वन भी क्या है, एक होल नंबर है। सारे के सारे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, सारे के सारे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये भाई साहब हमारे, नॉट भाई साहब, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी होती थी, आपने 8 में पढ़ा होगा, कुछ भी होती थी, लेकिन आपके पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया रूट टू एक्स प्लस वन, अब बताओ मुझे क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। देखोगे, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो कुछ बच्चे ना पता क्या करते हैं, रूट से इतना देख के घबराते ही, देख के कह रही है अरे रूट आ रहा है, फटाफट हटाओ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या कहा,
आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है, आपको कांस्टेंट के बारे में थोड़ी कुछ देखना है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, कुछ नहीं होता तो पावर क्या होती है, वन। यहाँ पे और कोई वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, तो हम इसे क्या कह देंगे, ये पॉलिनोमियल है। ये भी क्या हो गया, हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। लेट सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा बताओ सेवन मेरा क्या है, वह पॉलिनोमियल है क्या, सेवन मेरा एक पॉलिनोमियल है। आपको कि भाई वेरिएबल तो इसमें है नहीं, हम वेरिएबल है ही नहीं तो क्या चेक करेंगे, चलो हटा वही नहीं है पॉलिनोमियल, ऐसे नहीं करना आपको। आपको पता है आप सेवन को सेवन इंटू वन लिख सकते हो, सेवन को सेवन इंटू वन लिख सकते हो, तो आपको पता है सेवन इंटू वन क्या होता है, स्टिल सेवन ही तो होता है ना, कुछ और नंबर तो नहीं बन जाता, सेवन एट तो नहीं बन जाता, सेवन ही रहा, तो सेवन को मैं सेवन इंटू वन बिल्कुल लिख सकती हूँ। और मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होना वो क्या होता है, उसका आंसर वन होता है। एक्स की पावर, किसी भी चीज की पावर, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो हो तो वो क्या होता है, वन होता है। तो मैं वन को एक्स की पावर जीरो लिख सकती हूँ, इस वन को मैं एक्स की पावर जीरो लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे वन को ना मैंने एक्स की पावर जीरो लिख दिया। अब मेरा ये क्या बन गया, ये जो मेरा सेवन है ये किसमें चेंज हो गया, सेवन इंटू एक्स की पावर जीरो। अब आप यहाँ पे वेरिएबल आपको दिख रहा है, अब तो यहाँ वेरिएबल आपको अच्छे से दिख रहा है ना, आप कहोगे हाँ भाई मेरा वेरिएबल और इसकी पावर क्या है, जीरो। आपको पता है जीरो क्या होता है, जीरो एक होल नंबर होता है, तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो आप क्या कहोगे, सेवन मेरा एक पॉलिनोमियल है, सेवन क्या है मेरा एक पॉलिनोमियल है। लेट सपोज करो मैंने आपसे पूछ लिया, आप बताओ बेटा मेरे को क्या मेरा थ्री बाय टू, क्या मेरा थ्री बाय टू मेरा एक पॉलिनोमियल होता है, जल्दी बताइए क्या थ्री बाय टू मेरा एक पॉलिनोमियल होता है। आप कहोगे मैम अभी आपने एक चीज बताई, मैं थ्री बाय टू को थ्री बाय टू इंटू वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। थ्री बाय टू को अगर मैं थ्री बाय टू इंटू वन लिखूंगा तभी भी तो वो थ्री बाय टू ही तो रहेगा, कोई और नंबर में तो चेंज नहीं होगा ना, बिल्कुल। तो अब एक चीज बताओ, सिमिलरली आप यहाँ पे वन की वैल्यू आप एक्स की पावर जीरो पुट कर सकते हो, कि आपको पता है वन किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर जीरो के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, वन को मैंने क्या लिख दिया, एक्स पावर जीरो। अब आपको यहाँ पे देखो वेरिएबल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है वेरिएबल, यहाँ मेरे को वेरिएबल दिख रहा है, ये वेरिएबल दिख रहा है और इसकी पावर क्या है, जीरो। आपको पता है जीरो क्या होता है, एक होल नंबर होता है, तो मतलब इसमें वेरिएबल की पावर क्या हो गई, एक होल नंबर हो गई, तो थ्री बाय टू मेरा क्या होगा, थ्री बाय टू इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है मेरा एक पॉलिनोमियल है। ऐसे समझ आपको आया, अच्छे से समझ, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपसे पूछूं, अब मुझे बताओ क्या जीरो मेरा एक पॉलिनोमियल होता है, क्या जीरो मेरा एक पॉलिनोमियल होता है। तो एक चीज बताओ, जीरो को मैं सेम जीरो इंटू वन लिख सकती हूँ, अगर मैं जीरो को जीरो इंटू वन लिखूंगी तो ये अगेन जीरो ही तो रहेगा। अगर मैं किसी भी नंबर को टू को टू इंटू वन लिख दूं तभी भी तो ये टू ही तो रहेगा, कोई और नंबर तो नहीं बदल जाएगा, ये टू थ्री में तो चेंज नहीं हो जाएगा, ये कुछ और नंबर तो नहीं बना, इसलिए जीरो को मैं जीरो इंटू वन लिख सकती हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकती हूँ, और मैंने आपको बताया था जो एक्स की पावर जीरो होता है वो हमेशा क्या होता है, वन के इक्वल होता है। तो मैं आप वन की वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ इधर, बिल्कुल कर सकती हूँ। आप कहोगे तो मैं लिखूंगी जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो, दिख रहा है आपको। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल आपको दिख रहा है एक्स, दिख रहा है वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है, वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। तो आप क्या कहोगे, जीरो भी मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, जीरो क्या है, जीरो भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। मैं आपसे कहूं मुझे बताओ बेटा क्या रूट टू मेरा एक पॉलिनोमियल होगा, क्या रूट
टू मेरा एक पॉलीनोमियल होगा। देखो सिमिलरली आप रूट टू को रूट टू इंटू वन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आपको पता है रूट टू इंटू वन क्या होगा, अगेन रूट टू ही होगा। अब वन की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एक्स पावर जीरो लिख सकते हो ना, तो रूट टू इंटू एक्स पावर जीरो। अभी तो देखो यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा था, अब आपको यहाँ वेरिएबल दिख गया। वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे होल नंबर है, तो आप क्या कहोगे, रूट टू भी मेरा क्या है, पॉलीनोमियल है। रूट टू क्या है, रूट टू भी मेरा एक पॉलीनोमियल है। आया समझ आपको, आया अच्छे से समझ? तो अगर मैं आपको एक नोट करके एक चीज लिखवाती हूँ, जो आप नोट डाउन कर लो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे नोट डालोगे, कि एवरी कॉन्स्टेंट, दुनिया में जितने भी कॉन्स्टेंट आपको पता है इज अ पॉलीनोमियल। दुनिया में जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक पॉलीनोमियल होते हैं। सो लिख लो, एवरी कॉन्स्टेंट इज अ पॉलीनोमियल। हर एक कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक पॉलीनोमियल होता है। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स आपको पता है ना क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, सिर्फ जीरो, रूट टू, फाइव, वन बाय टू, पाई, कुछ भी जो नंबर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। जैसे टू है, टू मेरे लिए भी टू रहेगा, आपके लिए भी टू रहेगा, किसी और देश के कोई और बंदे के लिए टू थ्री तो नहीं होगा ना, टू मेरे लिए भी है टू है तो आपके लिए भी टू ही तो है। ये क्या है, फिक्स चीज है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। जैसे रूट टू है, रूट टू की मैं अप्रॉक्स वैल्यू बोलती हूँ 1.414, तो आपके लिए भी तो वैल्यू 1.414 ही तो रहेगी, कोई 10 तो नहीं बन जाएगी ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। तो हर एक कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक पॉलीनोमियल होता है। जैसे मैंने आपको अभी सारे के सारे एग्जाम्पल देकर समझाया, इसको नोट डाउन कर लो, क्या लिखोगे, एवरी कॉन्स्टेंट इज अ पॉलीनोमियल। इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? आया अच्छे से समझ, आया आपको अच्छे से समझ? अब मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस देती हूँ, आप मुझे जल्दी से देखकर बताना कि कौन सा पॉलीनोमियल है और कौन सा नहीं है। ये चारों के चारों आपको बताने हैं कि क्या ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। मैं एक बार देख लूँ, दिख रहे हैं चारों पांचों आपको? यस, पांचों दिख रहे हैं आपको। अब देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारा 4x² - 3x + 7 क्या एक पॉलीनोमियल है। देखो जल्दी से अब वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, x की पावर देखो क्या है, 2 है। चलो कहोगे ठीक है, आपको पता है 2 क्या है, एक होल नंबर होता है। अब नेक्स्ट वेरिएबल देखते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, कुछ नहीं होता तो पावर क्या होती है, 1 है। आप कहोगे 1 भी एक हम पता है होल नंबर क्या होता है, तो दोनों की पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, एक पॉलीनोमियल हो गया। ये क्या है, एक पॉलीनोमियल, क्या है, एक पॉलीनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y² + √2। कई बच्चे तो देखते ही घबरा जाते हैं कि मैम अभी तक तो आप x की बात कर रही थी, अब कहां से ये y आ गया। बेटा ये क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल, या t क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, एक जरूरी थोड़ी है वेरिएबल सिर्फ x ही होगा, वेरिएबल आपका y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको देख के, वेरिएबल्स को देख के घबराना नहीं है, ये टीम सबको देखकर ये क्या है आपके, ये वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या गिवन है, y गिवन है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे y है, इसकी पावर देखो क्या है, इसकी पावर है 2, 2 आपको पता है क्या है, एक होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एक पॉलीनोमियल है, ये भी क्या है, हमारा एक पॉलीनोमियल है। ऐसे आया अच्छे समझ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3√t + d√2। अब बताओ क्या ये एक पॉलीनोमियल है। आप कहोगे पहला वेरिएबल क्या है, ये टी की पावर में तो कुछ है नहीं। अब बच्चे बोले क्या करते हैं कि टी की कुछ पावर में तो है नहीं, मैं क्या करता हूँ, 1 लगा देता हूँ, ठीक है। अब 1 लगाया, हमें पता है 1 क्या है, एक होल नंबर है। सिमिलरली यहाँ भी देखेगा बच्चा, यहाँ में पावर कुछ नहीं है, यहाँ में 1 लगा देगा, कहेगा दोनों में पावर क्या है, 1,
और वन एक होल नंबर होता है, तो फटाफट लिख देगा पॉलीनोमियल। बच्चे थोड़ा दिमाग चलाओ, कैसे दिमाग चलाना है? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है रूट टी। देखो इस आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मान लो कहीं आपको दे रखा है ना रूट टू, तो इस पता है रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है कि पावर मेरी 1/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट को, कहीं पे भी रूट हो ना तो रूट का मतलब होता है कि पावर क्या है उस टू की, उस टू की पावर है 1/2 हाफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। टी की पावर यहाँ पे क्या है, टी के ऊपर लगा हुआ है रूट, तो टी की पावर क्या होगी 1/2 प्लस टी रूट टू। अब देखो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी। टी की पावर क्या आ गई 1/2। क्या आपने 1/2 कभी होल नंबर देखा है? आपको पता है हाफ कभी भी, 1/2 मतलब हाफ, हाफ क्या कभी होल नंबर होता है? नहीं होता। तो ये हमारा क्या है, नॉट अ पॉलीनोमियल, नॉट पॉलीनोमियल। ये चीज हो सकता है पॉलीनोमियल, हो सकता है आपको ये चीज ना पता हो, तो अब पता चल गई ना, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी वेरिएबल क्या हो नीचे बैठा हो, वेरिएबल क्या है नीचे बैठा हो, उसे थोड़ी इज्जत दो और खड़ा करो, उसे थोड़ी इज्जत देके खड़ा करो। तो खड़ा हो बेटा, तो क्या करना है आपको, वेरिएबल को ऊपर लेके जाना है, वेरिएबल को ऊपर लेके जाना है, उसकी जगह नीचे नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप वेरिएबल को ऊपर लेकर जाओगे। यहाँ तो वही रहेगा, यहाँ क्या है 2 है। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट्स में कि 1/y किसके इक्वल होता है, 1/y को अगर मैं, y अभी क्या बैठा है नीचे बैठा है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ ना तो पावर पता है मेरी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, पावर क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पे अभी y क्या बैठा है नीचे बैठा है, जब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, पावर क्या होगी -1। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या बैठे हुए हैं, एक वेरिएबल ये बैठा, एक वेरिएबल यहाँ बैठा, कुछ नहीं है वेरिएबल के ऊपर, तो यहाँ 1 लगा देंगे। आपको पता है 1 तो एक होल नंबर है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। यहाँ क्या है y, ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है -1 है। आप कहोगे भाई -1 तो मेरा होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको एक्सप्रेशन में हर एक वेरिएबल चेक करना है, सिर्फ एक वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर है तो आप फटाफट पॉलीनोमियल नहीं लिख सकते, आपको सारे के सारे वेरिएबल की, आपको सारे के सारे वेरिएबल की पावर चेक करनी है, सब के सब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब यहां देखो, यहाँ क्या है 3y² प्लस 1/y माइनस 1/y प्लस 4। मैंने अभी क्या कहा, वेरिएबल की जगह नीचे नहीं होती, उसे हमेशा ऊपर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3y², यहाँ तो 3y² ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे ऊपर ही है, प्लस यहाँ वेरिएबल क्या बैठा है नीचे बैठा है, जब नीचे बैठा है तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर क्या आ जाएगी माइनस। सिमिलरली माइनस, यहाँ भी वेरिएबल नीचे बैठा है, जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1, प्लस में क्या हो गया 4। बच्चे ना पता है यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट वेरिएबल देखेंगे, कहेंगे मैम यहाँ पे वेरिएबल क्या है 2 है, वेरिएबल क्या है y है, और y की पावर क्या है 2 है, 2 हमें पता है एक होल नंबर होता है, चलो आगे देख लेते हैं। अब बच्चे यहाँ देखेंगे कि यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है -1। बच्चे कहेंगे -1 तो होल नंबर होता ही नहीं है, फटाफट देखकर वो नॉट अ पॉलीनोमियल लिख देंगे। लेकिन मैं क्या क्या कहूंगी, मैं जबान अटक जाती है मेरी, क्या कहूंगी मैं ये कहूंगी कि बेटा अगर कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो पहले काट लो, अगर कुछ कट सकता है तो कुछ काट लो। यहाँ देखो, यहाँ प्लस का वाई पावर -1 है, यहाँ माइनस का वाई पावर -1 है, दोनों क्या कैंसिल नहीं हो सकते? आप कहोगे हाँ मैडम बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं, हो गए कैंसिल।
अब क्या रह गया 3y² + 4। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या रह गया, सिर्फ एक ही रह गया, इसकी पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पहले कुछ कट पिट रहा है ना, तो उसे काट लो, उसे काट लो और फिर चेक करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं। इन सब में तो कुछ नहीं कट रहा था, लेकिन इसमें कट रहा था, इसलिए मैंने ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। इसलिए कि मैंने ये वाला क्वेश्चन अलग से लिया आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। या तो हम ऐसे करें, हम कल स्टार्ट करें ये वाला टॉपिक, आज इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे डिग्री क्या होती है, कोफिशियंट्स के बारे में देखेंगे, टर्म्स के बारे में बात करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कल अपना खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।